ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शिव भगवान हम आत्माओं के पिता, साकार सृष्टि में आकर निराकार धाम से इस संगम युग पर हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है, फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाएंगे। बाबा कहते हैं जो देह अभिमान की बीमारी है, इसी देह अभिमान के कारण सभी विकारों ने महारोगी बनाया। ये देह अभिमान समाप्त हो जाए तो तुम बाप के दिल पर चढ़ जाओगे। दूसरा बाबा कह रहे, दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो। दूसरी बात बाबा कह रहे हैं, दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो। विशाल बुद्धि अर्थात विराट संकल्प। और वह तब होगा जब हम ज्ञान चिता पर बैठेंगे। रूहानी सेवा में लग जाओ और वाणी चलाने के साथ साथ बाप को अच्छी रीति याद करो, मतलब गहराई से, दिल से, प्यार से। मैं आत्मा, मेरे साथ मेरे परम पिता परमात्मा, और उनकी किरणों की अनुभूति हमें करना है। बाबा कहते हैं इस साधारण पुराने तन द्वारा मुख से कहो। बाप कहते हैं मुझे पुराने तन में पुरानी राजधानी में आना पड़ा। अब यह रावण राजधानी है, तन भी पराया है, क्योंकि इस पुरानी शरीर में तो पहले से ही आत्मा है। मैं पराया तन में प्रवेश करता हूँ। अपना तन होता तो उसका नाम पड़ता, हमारा नाम बदलता नहीं है। बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मेरा नाम बदलता नहीं है, मुझे फिर भी कहते हैं शिव बाबा। गीता तो रोज सुनते हैं। नवयुग अर्थात नई दुनिया सतयुग आया। अब किसको कहते हैं जागो? आत्माओं को कहते हैं, क्योंकि हम आत्माएं जो अज्ञान अंधियारे में सोई पड़ी है उसको बाबा जगा रहे हैं, अर्थात ज्ञान दे रहे हैं। ये हमें समझना है कि जगना अर्थात क्या है, अर्थात ज्ञान। जो बाबा शुरू में कहे हैं कि ज्ञान चिता पर बैठो, मतलब ज्ञान को समझना है। बाबा कहते हैं अभी तुम बेहद के बाप को जानते हो, क्योंकि उनसे मिलता है सुख, उनसे मिलता है नया युग। तो सतयुग को नया युग कहा जाता है और कलयुग को पुराने युग कहते हैं। विद्वान पंडित आदि कोई भी ये बात नहीं जानते हैं जो बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। कोई से भी पूछो नया युग फिर पुराना कैसे होता है, तो कोई भी बता नहीं सकते। कहेंगे ये तो लाख वर्ष है, लेकिन बाबा ने कह दिया अब ये पुरानी सृष्टि खत्म होके नई दुनिया आने वाली है। हम नर्कवासी थे, अभी क्या बनने वाले हैं? स्वर्गवासी बनने वाले हैं। तो इसी के लिए अभी हमें एक परमात्मा, अपने को आत्मा समझ के याद करना है। बाबा कहते हैं अंबा वास्तव में माताओं को कहा जाता है, परंतु पूजा तो एक की होनी चाहिए। शिव बाबा कभी एक ही अव्यभिचारी यादगार है, अंबा भी एक है, परंतु जगत अंबा को जानता नहीं, परंतु जगत अंबा को जानते नहीं। यह है जगत अंबा और लक्ष्मी है जगत की महारानी। तुमको पता है, बाबा कहते हैं कन्फर्म करते हैं कि तुमको पता है जगत अंबा कौन है। बाबा कहते हैं संगमी को कोई भी नहीं जानते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई पुरुषोत्तम सृष्टि रची जाती है। कौन रचते हैं? स्वयं भगवान। पुरुषोत्तम तुमको वहां देखने आएंगे। इस समय तुम ब्राह्मण गायन लायक सेवा कर रहे हो, फिर तुम पूज्य लायक बनोगे। बाबा कहते हैं जगत पिता और जगत माता एक ही है, बाकी है उनके बच्चे। बाबा कहते हैं अजमेर में प्रजापिता ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे बाबा, क्योंकि है ही प्रजापिता। हद के पिताएं बच्चे पैदा करते हैं, वो है हद के प्रजापिता ठहरे। यह है बेहद का। शिव बाबा तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है। इस सृष्टि में जितनी भी आत्माएं हैं सबका पिता है परमपिता परमात्मा। नाम कितने रख दिए हैं? किसका? जगदम्बा का। सरस्वती है एक नाम, दूसरा है दुर्गा, काली आदि कितने नाम रखते हैं। बाबा कहते हैं समझने की बात है कि लक्ष्मी नारायण कैसे बनते हैं। जो भी आत्माएं आते हैं ज्ञान सुनने के लिए उनको पूछ सकते हो कि लक्ष्मी नारायण ने ऐसा क्या कर्म किया जो इतने ऊंच बन गए। बाबा कहते हैं जिनमें देवी गुण होंगे
इस रूहानी सर्विस में लगे हुए होंगे वो इस बात को समझा सकते हैं। बाकी तो माया की बीमारी में फंसे रहते हैं लोग। आत्माएं अनेक प्रकार के रोग हैं, इसलिए देह भान को त्याग करना है, क्योंकि मुख्य है जब हम देह भान में आते हैं तो सारे विकार आने लगते हैं, दरवाजा जैसे खुल जाता है। जिस प्रकार लड़ाई होता है तो सबसे पहले दुश्मन क्या करता है, वो मेन दरवाजा तोड़ना चाहता है, फिर किले के अंदर घुसते हैं। तो वैसे ही देहवान मुख्य दरवाजा। तो अगर आत्माभिमानी हम बन जाएंगे तो माया घुस नहीं सकती है, नेगेटिव आ नहीं सकती है, व्यर्थ संकल्प आ नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते तुमको पवित्र देवता मैं बनाता हूं, तुम सर्वगुण संपन्न पवित्र थे, 16 कला संपूर्ण पवित्र थे, अब पतित बन गए हो, अब फिर से पावन बनने के लिए मुझ पाप को याद करो। यहां आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं शिव बाबा। भारत की महिमा है अपरंपार, कितनी महिमा करते हैं। बाबा कहते मैं आकर सबको शांति देता हूं, सुख देता हूं, यहां आकर नरक को स्वर्ग बनाता हूं। बाबा कहते हैं ऐसे से महात्मा बनते हैं जो उनको प्लैटिनम में वजन करते हैं, क्योंकि ब्रह्म में लीन होने की मेहनत करते हैं ना वो, तो मेहनत का भी फल मिलता है। बाकी मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम बच्चे जानते हो अब यह पुरानी दुनिया गई की गई, क्योंकि हम देख रहे हैं जानते भी हैं, इतने बॉम्ब्स बनाए हैं रखने के लिए थोड़ी बनाते हैं कोई। तुम जानते हो पुरानी दुनिया के विनाश के लिए बॉम्ब्स काम आएंगे, अनेक प्रकार के बॉम्ब्स हैं। बाबा ज्ञान और योग सिखलाते हैं, राज राजेश्वर डबल सिरताज देवी देवता बनाएंगे। कौन सा ऊंच पद है, ब्राह्मण चोटी है ऊपर में, चोटी सबसे पावनी बनती है, चोटी सबसे पावन बनते हैं, यह नशा है, इस नशे से रहना चाहिए। बाबा कहते हैं महाभारत की लड़ाई हुई है तो उसमें राजयोग सिखाने के लिए भगवान एक को आएगा क्या, सबको सिखाएगा? तो बोलते हैं ये जो हम, लेकिन मनुष्य की बुद्धि में फिर अर्जुन और कृष्ण का ही है, यहां तो ढेर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं मैं सबको सिखाता हूं राजयोग, देवी गुण धारण करने हैं, आसुरी काम नहीं करना है, ये बाबा मुख्य बात करते हैं। मैं निर्गुण हार में कोई गुण नहीं, देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अभी निर्गुण आश्रम भी है दुनिया में, परंतु अर्थ कुछ नहीं है। निर्गुण अर्थात मेरे में कोई गुण नहीं है, लेकिन अब भगवान हमको गुणवान बना रहे हैं। बाप के टाइटल की टोपी फिर अपने ऊपर रख दिया है दुनिया वालों ने, लेकिन अभी सर्वगुण संपन्न कौन बना रहे हैं, स्वयं भगवान हम बच्चों को बना रहे हैं। बाप का रिगार्ड रखना चाहिए, यह अकाल मूर्त का तख्त है ना, सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं माया एकदम नाक से पकड़ लेती है कभी कभी, चलन गंदी हो पड़ती है, फिर नीचे गिर जाते हैं। बाबा कहते हैं आंखें बड़ी धोखेबाज है, इसको संभालना है, कोई भी कर्म नहीं करना है, बस अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना है। बाबा धारणाओं में कहते हैं समझदार बन माया के तूफान से, कभी हार नहीं खाना है, आंखें धोखा देती है इसलिए अपनी संभाल करनी है, कोई भी विकारी बातों इन कानों से नहीं सुननी है, अपने दिल से पूछना है कि हम कितने को आप समान बनाते हैं। मास्टर पतित पावनी बन सबको पावन राज राजेश्वरी बनाने की सेवा कर रहे हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, देवी गुण कहां तक धारण किए हैं। बाबा वरदान में कह रहे हैं सभी को ठिकाना देने वाले रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल भव, रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। उनके संपर्क में जो भी आएगा उसे बाप का परिचय जरूर देंगे, जैसे कोई घर में आता है तो पहले उसे पानी पूछा जाता है, ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। ऐसे जो भी संपर्क में आते हैं, बाबा कितने अच्छे एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, उस बाप के परिचय दिए बिना किसी को नहीं छोड़ना है, दाता बनकर कुछ ना कुछ दो ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए, क्योंकि उसको अनुभव होगा जब हम योग कर रहे हैं, ज्ञान योग धारणा कर रहे हैं, जो भी हम उनके साथ प्यार से बाबा की बात सुनाएंगे कि भगवान आया है, अपने को आत्मा समझो, जो भी सुनाएंगे तो वो टच होगा उनको, फिर वो पुरुषार्थ करेगा तो उसका भाग्य खुलेगा।
बाबा स्लोगन में कह रहे हैं, यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है जितना न्यारा उतना प्यारा। आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे मैं रहम दिल आत्मा। इसी के साथ मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करेंगे, बाबा को याद करते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, हमेशा अनुभव करेंगे कि सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा मेरे साथ हैं, मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में हैं, उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही है और मैं आत्मा पावन बन रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।